मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण ने आस्था और पर्यटन के नए आयामों को स्थापित कर दिया है। जिस भव्यता के साथ महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया, उसके बाद प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थानों पर भी इसी तरह विकास की मांग अब उठने लगी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी पर भी इसी तरह एक नर्मदा कॉरिडोर प्रस्तावित है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ये कॉरिडोर फाइलों में ही सिमट कर रह गया है। देखिए रिपोर्ट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र भी है। नर्मदा नदी के प्रति लोगों की आस्था का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2017-18 में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई। इसकी डिजाइन बहुत कुछ अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट की तरह बनाई गई, जिसकी लागत करीब 250 करोड़ रुपए आकी गई। कॉरिडोर को पर्यटन के साथ व्यवसायिक रूप से भी तैयार किया जाना था, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाया। बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, हमने एनवीडीए को, सिंचाई विभाग को ये काम सौंपा था, उसकी पूरी प्राथमिक तैयारियां भी कर ली गई थी, सारी जो टेंडर के पहले की प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट के पहले की वो शुरू हो गई थी। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2020 में वित्त मंत्री के रूप में जब हमने बजट पेश किया था, उसमें भी हमने इस बात में बजट में उस राशि का उल्लेख कर दिया था कि तिलवारा घाट के पुराने पुल से लेकर भटौली तक लगभग 8.5 किलोमीटर की लंबाई में माँ नर्मदा रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नर्मदा जी के पर्यटन को लेकर बहुत अपने आप में संवेदनशील है, और ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो एक बार आकार लेता है फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय लगता है, कानूनी अड़चनें होती हैं। नर्मदा के तट पर निर्माण के कई तरह की बाध्यताएं हैं, एनजीटी की बाध्यता है, माननीय हाईकोर्ट की बाध्यताएं हैं। नर्मदा कॉरिडोर को बनाने के लिए जो प्लान बना था वो कुछ इस तरह था। भटौली गाँव से तिलवारा घाट के बीच कॉरिडोर बनाने की योजना है। करीब 2386 एकड़ जमीन में इसका निर्माण होगा। 655 एकड़ सरकारी जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मौजूदा विकसित क्षेत्र 421 एकड़ है। इस कॉरिडोर में 7 गांव की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इनमें तिलवारा, ललपुर, ग्वारी घाट, जिलहरी घाट, भटोली, परसवारा, गोरैया घाट गांव हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि नर्मदा कॉरिडोर कैसा होगा। ये 20 मीटर चौड़ा मार्ग होगा। इसकी 8.5 किलोमीटर लंबाई होगी। पैदल यात्रियों के लिए पाथवे होगा। दिव्यांग और वृद्धों के लिए ई रिक्शा साइकिल ट्रैक होगा। रास्ते के बीच में बैठने की व्यवस्था भी होगी। नर्मदा दर्शन के लिए व्यू पॉइंट बनेंगे। पथ में खान पान के लिए स्टॉल लगेंगे। आराम करने के लिए आरामदायक चेयर और कॉरिडोर के किनारे गार्डन और हरियाली होगी। नर्मदा नदी से जुड़ी कथाओं को दर्शाती प्रतिमाएं भी होंगी। महाकाल जी का कॉरिडोर तैयार हुआ है, इसी तरीके से मां नर्मदा जी का जो कॉरिडोर 160 करोड़ रुपए का है वो भी बना जाना चाहिए, जो रिवर फ्रंट के नाम से सेंक्शन हुआ है, बजट में डला हुआ है। हमारे माननीय पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी ने उसको सेंक्शन कराया था। मेरा ऐसा मानना सरकार को चालू करना चाहिए, और हम लोग अपने स्तर पर नगर निगम के स्तर पर हम लोग उसकी फाइल हम लोगों ने निकलवाई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नर्मदा कॉरिडोर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की भेंट चढ़ गया। नर्मदा के सौंदर्य और पर्यटन के विकास के लिए नर्मदा कॉरिडोर बेहद जरूरी है। अगर इस परियोजना का काम होता है और जल्द ही ये आकार लेती है तो भविष्य में जबलपुर भी उज्जैन की तरह पर्यटन के नक्शे पर एक अलग पहचान बना पाएगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।